वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय VBSV जौनपुर एग्जाम 2022 बहुत बड़ी अपडेट है। सभी स्टूडेंट अंत तक बने रहेंगे। उससे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YouTube परिवार में, जिसका कि नाम है नया इन्फो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन के अलावा ऑथेंटिक की ज़्यादा जानकारियाँ दी जाती हैं। तो इसलिए चैनल से जुड़ना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को साथियों के पास शेयर जरूर कर दें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन हो जाएं, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर हम आपको ऐसी ऐसी अपडेट्स देंगे जिनका कि मैं वीडियो बहुत कम बनाता हूँ और आपको वहीं पर मिल पाएगा। इसके अलावा टाइम टेबल आएगा तो सबसे पहले अपलोड कर देंगे। तो वीडियो की शुरुआत करें, इस वीडियो को कम्प्लीट देख लीजिएगा और सभी लोग इसको देखेंगे समझेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, चाहे वो आपका BA हो, BSc हो और BCom हो, MA हो, MSc हो, MCom हो, BEd हो, MEd हो, सभी लोग देखिए जिनका परीक्षा तिथि आ गया है वो तो अपनी तैयारी करें भाई, क्योंकि देखिए अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा हो नहीं रहा है कि एग्ज़ाम स्थगित कर दिया जाएगा। यानी कि बस एक में ही तो दिक्कत था फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में BA BSc में दिक्कत था, अभी उसकी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। तो तैयारी आप करते रहिएगा और 14 मार्च को ही मान करके, इसके बाद जब टलेगा तो आपको पता चलेगा, होली के बाद ही होगा। और रही बात जिन छात्रों का और BEd वालों का तो पता ही है अप्रैल में होगा, रही बात जिन छात्रों का अभी तक ना तो परीक्षा तिथि आई है और ना ही टाइम टेबल आया है, यानी कि उसमें हो सकते हैं कि सेकेंड ईयर वाले हों, थर्ड ईयर वाले हों और फर्स्ट ईयर हो MA वाला और MA सेकेंड ईयर, यही होगा ना, मतलब MA MSc। तो इन लोगों का मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग देखिए अभी फ़िलहाल चुनाव का माहौल चल रहा है और यहाँ पर 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, आप सभी लोगों को पता है। तो आपकी यूनिवर्सिटी में EVM वगैरह सारी रखी गई हैं, अभी वो काम हो रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि आपको 15 से 17 तारीख के बीच, ये समझ लीजिए कि 15 से 17 तारीख के बीच ऑफिशियल तिथि देखने को मिल सकता है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। इतना तो आप लोग क्लियर रहें कि आपका होली के बाद एग्ज़ाम होगा और पूरे चांस हैं कि आपको 15 से 17 तारीख के बीच कोई ना कोई एक परीक्षा तिथि मिल ही जाएगा। तो यही लेटेस्ट अपडेट है आप सभी छात्रों के लिए। उम्मीद करता हूँ बातों को समझ गए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना, साथियों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, बने रहिए नया इन्फो के साथ।